हाई एवरी वन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे सब्जेक्ट MCO 3 से रिलेटेड है। सो सब्जेक्ट है MCO 3, रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली होगा विद दी मीनिंग ऑफ रिसर्च। जानेंगे कि रिसर्च होता क्या है इन डिटेल। और दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ द यूनिट 1 डिस्कशन, यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च। इस पर एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिंस हमारा जो सब्जेक्ट ही है वो बेसिकली रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च होता क्या है। तो अभी इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है, एंड उसके बाद मैं आगे कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं सिग्निफिकेंस डिस्कस करूँगा और बाकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लाइक टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैसे की जाती है रिसर्च। सो विल डिस्कस ईच एंड एवरी यू नो टॉपिक वेरी नाइसली, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है इन टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारे टॉपिक्स जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्प करेंगे आपको आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस। सो क्वेश्चन गाइज सिंपल है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिसर्च विद डेफिनेशंस। तो आई विल गिव यू सम डेफिनेशंस एज वेल, यूनिट 1 पार्ट 1, लेट्स प्रोसीड। सो फर्स्ट स्लाइड आ चुकी है एंड इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च। सो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च होती क्या है। तो रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक एंड इनडेप्थ स्टडी की या फिर सर्च की फॉर अ सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और एन आंसर टू द क्वेश्चन, बैक बाय कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेलिवेंट डिटेल्स, रेलिवेंट डेटा एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये है बेसिक डेफिनेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो रिसर्च क्या है, बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इनडेप्थ स्टडी करते हैं या सर्च करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, और ये जो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ये या फिर जो ये आंसर फाइंड आउट करते हैं ये बेसिकली आप कैसे करते हैं, बाय कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दी रेलिवेंट डिटेल्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड या रेलिवेंट डिटेल्स होती है किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड या किस यू नो कोई भी डेटा होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको क्या करेंगे आप, सिस्टमेटिक और इनडेप्थ तरीके से स्टडी करेंगे। तो सारी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कलेक्ट करेंगे, कंपाइल करेंगे, एनालाइज करेंगे और फाइनली अपना जो इंटरप्रिटेशन है वो करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिसर्च। ओके, तो आई रिपीट द एंटायर स्टेटमेंट वंस अगेन। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक एंड इनडेप्थ स्टडी और सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और एन आंसर टू द क्वेश्चन, बैक बाय कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेलिवेंट डिटेल्स, रेलिवेंट डेटा, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम के थ्रू आपको फर्स्ट पॉइंट जो हमने समझाया है यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं डिटेल में फर्दर पॉइंट्स। सो नाउ सेकंड पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसमें हम बेसिकली जानेंगे डिटेल में कि रिसर्च होती क्या है। तो रिसर्च इज़ अ क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ ह्यूमंस, कल्चर एंड सोसाइटी एंड द यूज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। तो रिसर्च बेसिकली क्या है, एक क्रिएटिव और सिस्टमेटिक वर्क है जिसके थ्रू हम जो हमारी नॉलेज होती है उसका स्टॉक इंक्रीज करते हैं। यानी कि रिसर्च के थ्रू पर्पज ये होता है कि कुछ नया जाने, कुछ नया इन्वेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपकी नॉलेज होगी वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कल्चर से रिलेटेड हो सकती है, सोसाइटी के किसी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, और जो हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज होगी हम क्या करेंगे उसका नया यूजेज सीखेंगे, नया यूजेज जानेंगे बाय डूइंग रिसर्च। ओके, तो ध्यान रखिएगा रिसर्च क्या है, क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है चाहे वो हमारी
लाइफ से रिलेटेड हो, ह्यूमन बींग्स की लाइफ से रिलेटेड हो, एनिमल्स की लाइफ से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, हमारी जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, और जो हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसके नए यूजेज जो होंगे उनके बारे में जानने के लिए रिसर्च करते हैं. ओके, नाउ रिसर्च इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और एन इशू. तो रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक या इश्यू से रिलेटेड बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो रिसर्च का फाइनल पर्पस क्या है, कि आपकी किसी भी टॉपिक या इश्यू से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, जो करंट स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसको इंक्रीज करना. ठीक है, और ये कैसे किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके एंड एनालाइज करके. आई रिपीट, किस तरीके से रिसर्च की जाती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके एंड एनालाइज करके. ओके, तो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर वन क्लियर है आपको. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच सेज रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक एंडेवर टू डिस्कवर वैल्यूएबल फैक्ट्स और रिलेशनशिप. तो रिसर्च बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू हम वैल्यूएबल फैक्ट्स या रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं या डिस्कवर करते हैं. आई रिपीट, रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जिसके थ्रू हम वैल्यूएबल फैक्ट्स और रिलेशनशिप को क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे. दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, द सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम और आंसर टू अ क्वेश्चन इज रिसर्च. तो दूसरे टर्म्स में आप बोल सकते हो कि रिसर्च क्या है, बेसिकली अपनी जो नॉलेज है उसको सर्च करना या इंक्रीज करना एक एक ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू. जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन या फिर क्वेश्चंस हैं आपके, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बेसिकली रिसर्च कहलाता है. ओके, तो कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना सिस्टमेटिक या ऑब्जेक्टिव तरीके से, या कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढना सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव तरीके से, वो रिसर्च कहलाएगा. आई होप सेकेंड पॉइंट भी क्लियर होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. सो नेक्स्ट पॉइंट सेज रिसर्च इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और एन इशू. ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका फिर से मेंशन किया है. तो रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड होता है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक या इशू से रिलेटेड उसको इंक्रीज करते हैं. नाउ एट अ जनरल लेवल रिसर्च हैज़ थ्री स्टेप्स. तो नॉर्मल लेवल पर अगर हम बात करें तो रिसर्च में तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं. तो किसी भी टॉपिक इशू से रिलेटेड आप रिसर्च करेंगे तो उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. सबसे पहली है क्वेश्चन पूछना. ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए. तो क्या क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले ये ज़रूरी है, क्वेश्चन होना ज़रूरी है रिसर्च की स्टार्टिंग के लिए. नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चंस. अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जिसको आपने क्या करा, डिसाइड करा है, उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको डेटा को भी कलेक्ट करना पड़ेगा. तो सेकेंड हमारा जो स्टेप आता है रिसर्च में वो है कलेक्टिंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चन. एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन. और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपने जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर प्रेजेंट करते हैं सभी को. तो तीन स्टेप प्रोसेस होती है रिसर्च. सबसे पहले उसमें हम एक क्वेश्चन को पोज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को प्रोब करते हैं बेसिकली. दूसरा, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं. और तीसरा जो हमारा स्टेप होता है, जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर प्रेजेंट करना होता है. तो दिस ऑल दीज स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन रिसर्च. ये तीन स्टेप ही बेसिक पॉइंट्स होते हैं या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होती हैं जो कि रिसर्च में इंक्लूडेड होती हैं. ओके, तो ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए हमारा जो मिशन है, और उसको ध्यान में रखिएगा. बाकी किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और गाइस, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस आपको मिल सके, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सके. अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की. सो नेक्स्ट पॉइंट सेज रिसर्च
इन्वॉल्व्स केयरफुल इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट इन डिस्कवरी और इन्वेंशन। तो रिसर्च में बेसिकली क्या होता है, हम अपने किसी भी क्वेश्चन या इशू को सबसे पहले तो नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद हम अपने केयरफुल इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या करते हैं, अपना आंसर या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और रिसर्च के वजह से क्या होता है, नई डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं। तो नए इन्वेंशन जितने भी अभी तक आपने देखे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो या फिर बेसिकली कोई भी आपका ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि आपकी लाइफ को इजी बनाने में हेल्प कर रहा है, वो किसी ना किसी रिसर्च का ही इन्वेंशन या डिस्कवरी है, ध्यान रखिएगा। तो रिसर्च का रिजल्ट क्या होता है, किसी भी नए प्रोडक्ट सर्विसेज की डिस्कवरी या इन्वेंशन। नाउ देयर कैन नॉट बी एनी रिसर्च विच डज नॉट इंक्रीज नॉलेज विच मे बी यूजफुल टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई भी रिसर्च बेसिकली क्या करेगी, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। अगर आपने कोई एफर्ट किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं या फिर इंक्वायरी करी है जिसके थ्रू आपका बेसिकली एग्जिस्टिंग नॉलेज इंक्रीज नहीं होती, तो बेसिकली वो रिसर्च नहीं कहलाएगी। तो कोई भी रिसर्च आपकी अगर नॉलेज नहीं बढ़ाती तो वो रिसर्च ही नहीं है बेसिकली। सो नाउ रिसर्च की अगर हम बात करें तो देख लीजिए फाइनल पॉइंट्स यहाँ पर। रिसर्च क्या है बेसिकली, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ थ्रू स्टडी, कंपैरिजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नॉलेज एंड डिस्कवरीज और इन्वेंशंस। ठीक है, तो रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि सच्चाई क्या है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, या फिर सोल्यूशन क्या है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। और उसमें हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, बेसिकली हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ में नई डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होते हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहें आप तो। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, अब डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे रिसर्च के ऊपर कुछ, एंड ये डेफिनेशंस भी नोट डाउन कर लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन बाय सीआर कोठारी। तो मिस्टर सीआर कोठारी जी के थ्रू आपकी क्या है ये डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। इट सेज रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। पर्टिनेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च किसी भी इम्पॉर्टेंट या फिर स्पेसिफिक टॉपिक पर जो हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसकी। तो जब भी आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर उसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो रिसर्च कहलाएगी। दिस इज़ दी ओवरऑल डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सी आर कोठारी। ओके, तो मिस्टर सी आर कोठारी के थ्रू डेफिनेशन क्या है, रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो आई एम श्योर डेफिनेशन याद हो चुकी होगी, इट्स वेरी सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड डेफिनेशन, ये थोड़ी बड़ी है लेकिन अगेन ईजी है। अकॉर्डिंग टू डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेफनसन इन द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, रिसर्च इज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिम्बल्स फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजिंग एंड टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, वेदर दैट नॉलेज एड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी और इन प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। सो मिस्टर डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेफनसन के थ्रू जो एनसाइक्लोपीडिया थी सोशल साइंसेस की, उसमें बेसिकली रिसर्च की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, एंड इट सेज रिसर्च बेसिकली क्या है, चीज़ों को मैनिपुलेट करने वाली एक ऐसी प्रोसेस, या फिर कॉन्सेप्ट्स को या फिर सिंबल्स को मैनिपुलेट करने वाली एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, चीज़ों को जनरलाइज करेंगे, उन जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्सटेंड करेंगे, करेक्ट करेंगे अगर कहीं पर गलत है, या फिर उसको वेरीफाई करेंगे, और उस नॉलेज के थ्रू जो हम रिसर्च के थ्रू ऑब्टेन करेंगे नई थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर कोई बेसिकली आर्ट को प्रैक्टिस करेंगे। तो दिस इज़ दी ओवरऑल डेफिनेशन एज मैंशनड इन दी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज बाई डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेफनसन। बेसिकली नाम याद रख लीजिए, डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेफनसन,
कहाँ पर मेंशन है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज. डेफिनेशन क्या है? रिसर्च इज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजिंग एंड टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, वेदर दैट नॉलेज एड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी और इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट. नाउ द नेक्स्ट and the last definition that we will discuss in this particular video, it is given by L.V. Redman and A.V.H. Mori, unki book jo ki thi The Romance of Research, theek hai. So according to L.V. Redman and A.V.H. Mori, unki book ka naam hai The Romance for Research or The Romance of Research. डेफिनेशन है, रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. बहुत ही सिंपल है. रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट जिसके थ्रू हम नई नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है. रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? नई नॉलेज को गेन करेंगे. एंड दिस इज द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय एलवी रेडमैन, ठीक है. सबसे पहला नाम याद रख लीजिए, एलवी रेडमैन, और दूसरा नाम हमें याद रखना है ए वी एच मोरी. ओके, बुक का नाम है द रोमांस ऑफ रिसर्च. डेफिनेशन है, रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, दैट इज इट. तो अभी आपको इन टोटल 5 नेम्स याद रखने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. सबसे पहला है एल वी रेडमैन एंड ए वी एच मोरी, और उन्होंने जो डेफिनेशन दी है द रोमांस ऑफ रिसर्च में वो. दूसरी डेफिनेशन जो कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस में मेंशनड है बाय डी स्लेसिंगर एंड एम स्टेफेंसन. और पांचवा नेम जो आपको याद रखना है वो है सी आर कोठारी जी का. एंड डेफिनेशन इज रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटाइज या सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्कस हो चुके हैं. आई एम श्योर कि रिसर्च क्या होती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा. तो रिसर्च का अगर मैं समरी दूं यहाँ पर, तो फाइनल पर्पस क्या होता है? हमारी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज को बढ़ाना और यू नो फैक्ट्स को वेरीफाई करना, ठीक है. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3-step प्रोसेस होती है रिसर्च, जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को पोज करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं डेटा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और लास्ट स्टेप जो हमारी है, इन दैट स्टेप वी बेसिकली प्रेजेंट एन आंसर ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी इनिशियली प्रूव्ड. ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, जितना हो सके शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी हेल्प हो सके. मेरा जो एक्चुअल पर्पज़ है वो यही है कि आप सब लोग जितना हो सके अच्छे से स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स.